तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर टेक्नो एम्पलीफायर के बारे में, जो कि साउंड स्टैंडर्ड की तरफ से आता है। सो साउंड स्टैंडर्ड का यहाँ पर टेक्नो 4, टेक्नो 5 इस टाइप से एम्पलीफायर आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। तो इस एम्पलीफायर का बैक सेटिंग के बारे में हम जानने वाले हैं, क्योंकि एक भाई का क्वेश्चन था, कमेंट था, और भाई ने बताया कि यहाँ पर इस एम्पलीफायर का जो बैक सेटिंग है वो करके बताइए, कुछ प्रॉब्लम भाई के साथ हो रहा है, या फिर भाई को जो है वो पता नहीं है कि हम इसका कनेक्शन या फिर इसका जो सेटिंग है वो हम कैसे करें रखेंगे या फिर करेंगे, जिससे कि हमारा एम्पलीफायर काफ़ी सही से चल सके और कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेक्नो 4 या फिर टेक्नो 5 जो एम्पलीफायर आता है, इसका जो बैक पैनल का सेटिंग है वो हम कैसे करेंगे, ब्रिज मोड, पैरेलल मोड, स्टेरियो मोड, या फिर सेंसिविटी, हाई पास, लो पास, लिमिटर, ग्राउंड, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के बैक सेटिंग के ऊपर। तो जैसे कि आप बैक पैनल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चैनल ए, चैनल बी का यहाँ पर आपको इनपुट और लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, और इधर आपको आउटपुट सेक्शन मिल जाता है, जो कि स्पीकर और टर्मिनल लगा के आप आउटपुट ले सकते हैं। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका जो सेंसिविटी और हाई पास और ग्राउंड, ऑपरेशन मोड, 150 हर्ट्ज, लो पास, लिमिटर, इसका जो सेटिंग है या फिर इसका जो आपका स्विच है वो हम कहाँ पर सेट रखेंगे, जिससे कि हमारा एम्पलीफायर काफ़ी सही से चल सके। तो पहले हम बात करते हैं सेंसिविटी के ऊपर। तो इस एम्पलीफायर का जो सेंसिविटी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, 0.775 वोल्ट में आपको रखना है, जिससे कि आप कम गेन भी खोलेंगे, मतलब गेन तो आपको खोलना ही नहीं पड़ेगा, आप साउंड बस खोलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिलेगा, मतलब ज़्यादा साउंड मिलेगा। अगर आप 1.0 वोल्ट में रखते हैं तो थोड़ा सा कम मिलेगा, और 1.4 वोल्ट में रखते हैं तो आपको कम साउंड मिलेगा, आपको गेन ज़्यादा खोलना पड़ेगा, ये हो जाता है सेंसिविटी। अब हम बात करते हैं उससे नीचे, जो कि 30 हर्ट्ज हाई पास लिखा हुआ है, तो उसमें आपको क्या हो जाता है, अगर आप टॉप चलाते हैं तो इसको आपको ऑन रखना है। जी हाँ गाइज, अगर आप इसको टॉप चलाते हैं तो, अगर आप हाई पास में चलाते हैं, जैसे आप टॉप चलाते हैं तो टॉप चलाना है आपको, तो इसको हाई पास में रखेंगे, जो कि हम इसको ऑन करके रखेंगे, जिससे कि हमारा टॉप जो है वो काफ़ी अच्छा फायरिंग आवाज़ करेगा, तो हम इसको ऑन रखेंगे। वही हम बात करेंगे नीचे, तो नीचे आपको मिल जाता है ग्राउंडिंग का ऑप्शन। ग्राउंडिंग का ऑप्शन हो जाता है, जैसे कि आप एम्पलीफायर का अर्थिंग बोल सकते हैं, तो आप इसको ऑन करके रखिए, जिससे कि आपको लाइव प्रोग्राम में भी काफ़ी अच्छा चलेगा और डीजे प्रोग्राम में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको ऑन रख सकते हैं। अगर आप ऑफ भी रखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। अब हम वही बात करते हैं ऊपर के ऊपर, जैसे ऊपर आप देखेंगे जो कि आपको ऑपरेशन मोड मिल जाता है, इसको हम बात करेंगे लास्ट में। तो पहले मैं आपको बताता हूँ उससे नीचे, जो कि 150 हर्ट्ज लो पास लिखा गया है। तो अगर आप इस एम्पलीफायर को लो पास में चलाना चाहते हैं, जैसे कि इसका मतलब ये हो जाता है, अगर आपको बेस चलाना है और अगर आपके पास क्रॉसओवर नहीं है, विदाउट क्रॉसओवर आप चलाना चाहते हैं, और इसमें बेस जो आपका है उसमें आप ओनली बेस ही बेस देना चाहते हैं, मतलब उसमें आपका मिड या फिर हाई का जो साउंड है वो नहीं आना चाहिए, ओनली आपका बेस का साउंड आना चाहिए, तो बेस का साउंड आना चाहिए, तो आप इसको ऑन करके रखेंगे, जिससे कि एम्पलीफायर आपका 150 हर्ट्ज से नीचे का फ्रिक्वेंसी देगा, ऊपर का फ्रिक्वेंसी नहीं देगा, 150 हर्ट्ज से लगभग उतना का फ्रीक्वेंसी आपका प्रोवाइड करेगा, तो आपका जो बेस है वो ओनली बेस ही बेस देगा, मतलब बेस का फ्रीक्वेंसी देगा, जो कि आपको खाली जो कि आपको बूमिंग साउंड मिलेगा, मतलब बेस आपको काफ़ी अच्छा देगा अगर आप विदाउट क्रॉसओवर चलाना चाहते हैं तो। और यही हम बात करेंगे लिमिटर के ऊपर। लिमिटर आप नीचे देखेंगे ऑन और ऑफ देखने को मिल जाता है, इसको आपको ऑन करके रखना है, जिससे कि एम्पलीफायर में अगर आप ज़्यादा साउंड खोलते हैं लिमिटर, आपका मतलब ये हो जाता है एम्पलीफायर के लिमिट से ऊपर अगर आप साउंड खोलेंगे तो आपका लिमिटर शो करेगा, आगे क्लिपिंग लिखा होता है आप देखेंगे, तो जो रेड कलर का बत्ती होता है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगर आप ज़्यादा साउंड खोलेंगे तो वो रुक भी जाएगा जलते जलते, तो वो हो जाता है लिमिटर, इसको ऑन करके रखना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि एम्पलीफायर का साउंड जो है वो एम्पलीफायर से लिमिट से आगे जा रहा है, तो हम साउंड कम कर देंगे, तो ये हो जाता है लिमिटर का मतलब, इसको हमें ऑन करके रखना है। अब हम बात करेंगे सबसे ऊपर में, जो आप देखेंगे राइट साइड ऑपरेशन मोड, जिसमें कि आपको ब्रिज मोड, पैरेलल मोड, स्टेरियो मोड आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं इसके नीचे, नीचे आप देखेंगे स्टेरियो मोड। स्टेरियो मोड में चलाते हैं तो रेगुलर जैसे सभी एम्पलीफायर को हम चलाते हैं वैसे ही आपको चलाना है, जैसे कि चैनल ए, चैनल बी में आपको इनपुट करना है
और चैनल ए चैनल बी से आउटपुट लेना है आप स्पीकोन से ले सकते हैं या फिर आप बनाना टर्मिनल सॉकेट से भी ले सकते हैं, जैसे आपको लेना है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। पैरेलल कनेक्शन के ऊपर आपका जो केबल है वो एक केबल आपका बच जाता है, जिससे कि आपको केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर आपके पास केबल कम है या फिर आप ज़्यादा एम्पलीफायर लगाना चाहते हैं और आपके एम्पलीफायर में सॉकेट कम पड़ रहा है, तो एम्पलीफायर को आप पैरेलल मोड में करिए और चैनल वन में, जैसे कि चैनल ए में आपको इनपुट करना है और दोनों चैनल से आउटपुट लेना है आपको, जैसे चैनल ए चैनल बी से आप स्पीकर से आउटपुट ले लीजिए या फिर बनाना टर्मिनल से सॉकेट में आप डायरेक्ट वायर लगा के ले सकते हैं। आपको चैनल बी में इनपुट नहीं करना है, आपको एक वायर ही इनपुट करना है, आपका दोनों चैनल काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिज मोड के ऊपर। अब ब्रिज मोड के ऊपर हम बात करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, नहीं तो आपका मिस्टेक हो सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रिज मोड के ऊपर। जैसे ही ब्रिज मोड के ऊपर एम्पलीफायर को आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से सिलेक्टर स्विच से, तो आपका ब्रिज मोड का यहाँ पर बत्ती जलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका कनेक्शन कैसे रहेगा ये हम पहले जान लेते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि उतना वाट का स्पीकर भी होना चाहिए जितना आपका एम्पलीफायर आउटपुट दे रहा है, नहीं तो आपका स्पीकर बहुत ही जल्द डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप ब्रिज मोड में चलाना चाहते हैं तो काफ़ी हेवी से हेवी स्पीकर चलाने के लिए ब्रिज मोड को यूज़ किया जाता है बड़े बड़े एम्पलीफायर में, जैसे कि टेक्नो 4 या फिर टेक्नो 5 हो गया। तो यहाँ पर अगर टेक्नो 4 एम्पलीफायर है तो लगभग यहाँ पर आप 2000 वाट का दो स्पीकर ब्रिज मोड में चला सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ब्रिज मोड में अगर टेक्नो 5 का एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 2300 वाट से लेकर के 2500 वाट का दो बेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हेवी स्पीकर्स यूज़ करने के लिए यहाँ पर ब्रिज मोड का यूज़ किया जाता है। इसका कनेक्शन आपका सिंपली चैनल ए में आपको इनपुट करना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दोनों रेड वायर से ही लेना है। चैनल ए का रेड वायर प्लस रहेगा, चैनल बी का रेड वायर जो लगता है उसमें आपका माइनस लगेगा। ऊपर वाला प्लस रेड वायर जो आपका रेड टर्मिनल है वो आपका प्लस रहेगा, नीचे वाला रेड टर्मिनल जो है वो आपका माइनस रहेगा। तो ये हो जाता है कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेना है। अगर आप स्पीकोन से करना चाहते हैं तो चैनल वन में आपका स्पीकोन लगेगा, साथ ही साथ उसका अंदर का जो कनेक्शन रहेगा वो अलग रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकोन के लिए यहाँ पर स्टेरियो ब्रिज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। तो सारा चीज़ एम्पलीफायर के पीछे स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है, डिटेल्स दिया गया है कि ब्रिज में कैसे आपको चलाना है, ये सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। साउंड स्टैंडर्ड टेक्नो 4 या फिर टेक्नो 5 दोनों का सेम कनेक्शन है, जैसे कि और भी बहुत सारे एम्पलीफायर में सेम ऐसे ही आपको देखने को मिल जाते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो इससे भी आप समझ लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो आपको चैनल में देखने को मिल जाएंगे तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा, सारा चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको देन यहाँ पर चैनल में जाना है, चैनल में क्लिक करेंगे तो होम, फिर उसके बाद यहाँ पर वीडियोज़ आएगा, उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें सारा चीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो खोजने में काफ़ी आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर डीजे से रिलेटेड, स्टेबलाइजर से रिलेटेड, जनरेटर से रिलेटेड, ये सभी जानकारी अलग अलग वहाँ पर पार्ट बनाया गया है। तो चलिए गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।